ये बताइए सतीश जी कि अरविंद केजरीवाल के पीछे और उनके मुख्यमंत्री के पीछे भी दो तस्वीरें लगी हुई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह। ये दोनों नास्तिक हैं, इन दोनों के बारे में कोई शक शुभा कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि साहब ये और गणेश लक्ष्मी एक साथ चल सकते हैं। तो आप अपने पीछे ये तस्वीरें लगाएंगे और सामने कहेंगे कि नोटों पर गणेश लक्ष्मी छाप दो, ये राजनीति कैसे चल पाएगी? देखिए, राजनेता जो होता है ना, उसको जब जो सूट करता है उसके हिसाब से काम कर लेता है। और अगर आप ये कहिएगा कि इसमें तर्क और तथ्य के आधार पर सारी चीजें की जाएंगी, ऐसा होता नहीं। कोई एक नेता निकाल दीजिए, कोई एक पार्टी निकाल दीजिए, कोई एक व्यक्ति निकाल दीजिए, जो राजनीति में रहते हुए जीवन भर एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा और एक ही बात करता रहा, मुझे नहीं नो वन। देखिए, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल, मैं मूलतः मानता हूं कि प्रोपेगेंडा की राजनीति के महारथी। ये मैं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के फोटो लगाने का नोट पर, उसको मैं एक विशुद्ध प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स मानता हूं, विशुद्ध प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स। आज आप उनकी कल से पूरी चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, सारे चैनलों पे चर्चा की जा रही है, तो आप उनके प्रोपेगेंडा में तो आ ही गए, है कि नहीं? आप कल को अब वो कुछ कह देंगे और कि अब कुछ भी कहा जा सकता है ना, कि फलाने पर इंसाइनिया ये होना चाहिए, फलाने पे ये चीज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो आप विवश हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि हम लोग सारे लोग, सारे मीडिया के लोग यही करते हैं कि हमें एक नैरेटिव दी जाती है, चाहे जो दे, और हम उसी के इर्द गिर्द विवश हो जाते हैं। ये जो है आज मॉडर्न पॉलिटिक्स का, ये मतलब खास बात है। अब चर्चा तो हो ही रही है गुजरात में, कारोबारी समाज, आर्थिक समाज, मतलब उनकी जो मानसिकता है गुजरात की, जो प्रोड्यूसर क्लास भी है, जो एकदम क्या कहें, व्यवसायी क्लास है, उसमें भाई अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की बात करोगे तो भाई जितना भी आपका खिलाफ नेगेटिव हो, कुछ तो पॉजिटिव होगा ही ना, कुछ तो होगा ही ना। बाद में देखी जाएगी डॉक्टर अंबेडकर की और भगत सिंह की, उन दोनों की जरूरत शायद ज्यादा हमको लगता है पंजाब में थी या दिल्ली में हो। और ऐसे तो कहे तो दिल्ली में भी कारोबारी समाज बहुत है, और हमको लगता है कि एमसीडी का भी चुनाव आने वाला है, तो एक उन्होंने नैरेटिव हम लोग के ऊपर लगाया है, अब उस पर हम लोग चर्चा करते रहे, अच्छी बात है। ये है बात, बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी? कुछ नहीं करेगी रिएक्ट। आप कह रहे हैं बीजेपी रिएक्ट करेगी नहीं? मुद्दा ये है कि भाई अगर नोट रहेगा तब ना उसमें लक्ष्मी जी गणेश जी का फोटो लगेगा, नोट रहे तब तो लगे। नोट पे क्या जब है ही नहीं तो उसमें किसका फोटो लगे? अब महात्मा गांधी की ही तस्वीर लगा दीजिए तो उसे क्या नोट पैदा हो जाएंगे क्या? पेड़ पे पैदा तो नहीं होंगे ना। आज जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दों पे बातचीत करने की जरूरत है, ये मैं कह रहा हूं। चूंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जैसा डिबेट करिए तो पार्टी वालों को भी बुलाइए, सारे पार्टियों को, और उनका तर्क लीजिए कि भाई वो लोग क्या कहते हैं। अब असली मुद्दों का हम गिनाने लगेंगे तो हम कहलाएंगे फलाने के पक्षधर या फलाने के विरोधी, तो मैं असली मुद्दों की बात नहीं कर रहा, मैं यहीं पर रोक दे रहा हूं। ये शुद्ध प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स है और इसमें बहुत माहिर है अरविंद केजरीवाल, वो बीजेपी जहां जहां जाएगी उसका वो दहले पे दहला मारेंगे, तो ये बात है। तो आप उनको तवज्जो देते जाइए, उनका तो एक्सपेंशन हो रहा है, होते जाएंगे। अब फ्रीबी का पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री जी ने, उसको भी तो उन्होंने खड़ा ही कर दिया ना, कि फ्रीबी है क्या? कौन तय करेगा कि फ्रीबी क्या है? कौन तय करेगा किसके लिए फ्रीबी क्या है?
हम फिर भी पर ही बात कर लेते हैं। तो ये सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी एक आर्थिक व्यक्ति जो है वो सीधा कहेगा हाँ जी फ्रीबी में दिक्कत है, लगातार कोई फ्रीबी नहीं दे सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का एक तर्क है कि फ्रीबी क्या, स्कूल का एजुकेशन फ्रीबी है, हेल्थ क्या फ्रीबी है, और यही पार्टियां तो सारी पार्टियां करती है। तो आप इस चीज के उसमें आप देखिए कि कहां कहां नैरेटिव है। तो चर्चा अगर करनी है तो बहुत सारे इश्यूज है। तो ये हमको लगता है कि मेरे ख्याल से अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो फिलहाल ये नॉन इश्यू है, लेकिन प्रोपेगेंडा में कहीं ये कोर इश्यू न बन जाए, ये बात जी। तो आप कह रहे हैं फिलहाल ये नॉन इश्यू है लेकिन प्रोपेगेंडा में कहीं ये कोर इश्यू न बन जाए। और क्योंकि अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी तो वहां ये जिक्र आया था कि साहब इंडोनेशिया का रुपया जिस पर गणेश जी की तस्वीर है, तो मैंने अभी कन्वर्जन रेट देखा, एक रुपए में 0.0053 इंडोनेशियन रुपया आता है, एक डॉलर में 15,500 इंडोनेशियन रुपया आता है। डॉलर पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नहीं है, इंडोनेशिया की मुद्रा पर है। तो वो इंडोनेशिया की मुद्रा से वो और वहां क्यों है, कैसे है, ये एक अलग अलग चर्चा का विषय है कि कोई देश अपनी संस्कृति के किन हिस्सों को संजो के रखना चाहता है, आगे ले जाता है। हमारे सिक्कों पर, हमारे नोटों पर अशोक स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप कह सकते हैं कि वो तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, वो जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने अपने धम्म स्तंभ बनाया था, लेकिन वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए है कि सम्राट अशोक को अन्य कारणों से भारत का महानतम सम्राट माना जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।